जब भी काम को बोलो यार यही बोलते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों से मिलो कि यार मूड नहीं कर रहा, आज बैडमिंटन खेलने चलोगे? मूड नहीं कर रहा है। अरे यार एक घंटा और पढ़ लेते हैं, अभी मूड नहीं कर रहा है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? आप सफल होना चाहते हैं, आप जानते हैं सफल लोगों में असफल लोगों में क्या अंतर होता है? सफल व्यक्ति का हर काम चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि वो सफलता के लिए प्रयास किया जा रहा है, और एक असफल व्यक्ति के साथ उसका शब्द कोश को ही देख लो यार, उसका वोकैबुलरी मोस्टली डाउटियस और नेगेटिव होता है। अभी मैंने कल ही बोला उसको पढ़ने के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, अगर आपको IAS बनना है तो क्या करना है? यार मन नहीं कर रहा है, ये मन नहीं कर रहा है। मैंने उनको बोला यार मन नहीं कर रहा है, इसको एक गड्ढे में जाके दबा दीजिए, जब आप सफल हो जाए उठा लीजिएगा उसको फिर से। हर अच्छे काम के बीच में जो चीज आए उसको आप उठा के गड्ढे में दबा दीजिए, कहीं वो आपके लिए नहीं बनी है। आपको अगर सफल होना है तो मन नहीं कर रहा है, इस सिंड्रोम से बाहर निकलना पड़ेगा। आप तक आपके व्यक्तित्व में आपके जीवन में जो भी सफलता या असफलता है उसको आप देखिए, कई जगह पे आप मौके चूक गए। आपने सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड का उपयोग किया, जब भी आपको मन नहीं कर रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप आज से बोलिए यार जब भी मन नहीं करेगा तब मैं जरूर काम करूंगा। Whenever my mind will say I am not in mood, you will say I have to do it. आज से अभी चैलेंज दीजिए अपने लाइफ में। अगर आपको किसी काम के लिए बोला आपकी मदर ने, आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने, एनीबॉडी एल्स या आपके फ्रेंड ने बोला कि दो घंटे और पढ़ो, और आप कह रहे हैं आपका मन यार मूड नहीं कर रहा है, तो बोलो यार कट इट, आई विल डू इट। आप जानते हैं जो सफल लोग होते हैं एक और फार्मूला अपनाते हैं, जब भी उनसे अच्छे काम को कहा जाए और कोई उसकी क्रिटिसाइज करता है यार तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो कहते हैं यस आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। यही अंतर है एक सफल और असफल व्यक्ति में, वो हर चीज को नकारात्मक चीज को पॉजिटिव डिससेटिस्फेक्शन के रूप में ले लेते हैं। कोई अगर आपसे बोले यार आपको बोलना नहीं आता, तो आपको उस व्यक्ति को थैंक यू बोलिए और बन के दिखाइए बेस्ट स्पीकर। कोई आपसे बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ करके दिखाइए, लेकिन उन लोगों से घृणा नहीं करनी क्योंकि वो आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसे ही आप लीजिए अपने माइंड को, जब भी वो बोले मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं कर रहा है, तो फौरन बोलिए यस अभी करना है, क्योंकि ये ही टाइम है, इसी समय मेरा माइंड स्लीपिंग मोड में जा रहा है, रिलैक्स मोड में जा रहा है, मैं इसको कम बैक करूंगा। एक कॉफी का प्याला पीजिए, एक अच्छा सा गाना गुनगुनाइए, और आप जानते हैं आपका किसी काम में मन नहीं करता है, कई बार उसी समय आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए, कोई गर्लफ्रेंड आ जाए, वो बैठ जाए, आप वो काम को करने लगते हैं। यानी कि माइंड हमें बेवकूफ़ बनाता है कई बार, हमारे ऊपर जब भी आलस्य हावी होता है, या हमारे ऊपर जब भी नकारात्मक विचार हावी होते हैं, या हमारा पास्ट का डे अच्छा नहीं बीता होता, तो हम उसका एडवांटेज लेते हैं। क्या लेते हैं? मन नहीं कर रहा, इसको उखाड़ के फेंक दीजिए, किसी गंदी नाली में बहा दीजिए सेंटेंस को, इफ़ यू विश टू बी गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।